हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो पैसे से रिलेटेड होती है, कि मनी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में आते हैं गवर्नमेंट के जो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिफरेंस का क्या है, कंट्रोल। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। पहले यही चलता था कि जो है सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता था मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करें जो अब चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है अलग से, वो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेट करेगी, वो उसको कंट्रोल करेगी। पहले कौन करता था, सेंट्रल बैंक करता था। मॉनेटरी पॉलिसी में एक तरीके से कि मनी की कितनी सप्लाई हो रही है, मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, जिसको अब कौन रेगुलेट करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब बात करते हैं हम फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट के लिए जो है रेवेन्यू क्या होगा, जो वो टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाती है, ठीक है, जैसे हम टैक्स पे करते हैं तो वो पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और खर्चा कहाँ करती है गवर्नमेंट, जैसे कि रोड बनवाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह, तो यहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर के लिए उस पैसे को यूज़ करती है। तो वो हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, और टैक्स से जो पैसा मिल रहा वो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो हमारा कंट्रोल है वो किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, कि जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, वो देखेगी फिस्कल पॉलिसी को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते हैं मार्केट में उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। जो अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, ये कम कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनुअली हम चेंजेस करते हैं। तो एक साल में आपने देखना, एक आपने देख रहे हो मंथली देख रहे हो कि भाई कितना चेंज आ गया, तो मंथ के हिसाब से क्या पता मंथ से पहले भी आपको कोई चेंज करना पड़ जाए। वैसे अगर हम बात करें इंडिया में बाय मंथली चलता है, कि दो महीने में एक बार चेंज होती है, मतलब देखते हैं। बाकी हमारी जो है कंट्री पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी, इकोनॉमी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो तभी चेंज करेंगे अपनी इकोनॉमी के स्टेटस को देख के, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू फिस्कल पॉलिसी। थर्ड पॉइंट हमारा नेचर, तो इसमें यही बात की गई है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अंदर जो है चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे ही हमारी इकोनॉमी उनकी नीड देखती है कि भाई हाँ हमारी इकोनॉमी में ज़रूरत है, ठीक है, जैसे ही हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया जाता है। बट फिस्कल पॉलिसी जो है वो एनुअली की जाती है, राइट, एनुअली मतलब साल में एंड में। उसके बाद फोकस की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, तो ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ज़्यादा जो है हमारे पास डिफ्लेशन हो, नॉर्मल कंडीशन रहे। फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपनी कंट्री को किस तरीके से डेवलप करें, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से हाई करें, किस तरीके से हमारी कंट्री ग्रो करेगी, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद वर्क सब्जेक्ट की बात की गई है, तो इसमें हम जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी है हम यहाँ पे मनी फ्लो की बात कर रहे हैं, कि इकोनॉमी में मनी फ्लो जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, और क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड लोग लोन ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, क्योंकि आरबीआई जो है वो किसको कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक को। तो जो भी कमर्शियल बैंक को रूल रेगुलेशन बोले जाएंगे उनको आरबीआई के वो मानने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी वो ऑर्डर देंगे, राइट। और फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो है वो स्पेंड कहाँ पे कर रही है पैसा, और कहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर रही है, कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें, कि बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि मतलब जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है पॉलिटिक्स की वजह से इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होता, आरबीआई अपने अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की, तो ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टली पॉलिटिकल से रिलेटेड है,
ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ तो ऑफ कोर्स ये जो है इन्फ्लुएंस करेगा हमारी फिस्कल पॉलिसी को भी, कि भाई किस तरह की गवर्नमेंट आई है, कौन सी है, बीजेपी है कौन सी है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, अपने हिसाब से अपना खर्चा करेगी, अपने हिसाब से टैक्स के रेट रखेगी, राइट। उसके बाद टूल्स यूज, अब जो हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी में, तो इसमें रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इसके अंदर जो है टूल्स यूज़ किए जाते हैं अपनी कंट्री के अंदर जो है वो मनी की स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो RBI ये डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके फिर जो है मनी पे कंट्रोल करती है, जिससे जो है मनी का ना ओवरफ्लो हो ना अंडरफ्लो हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो यहाँ पे क्या करेगी सरकार, जो है टैक्स रेट बढ़ा देगी, कम कर देगी, अपना एक्सपेंडिचर उस हिसाब से करेगी, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ होगी। इसके बाद इसमें बस वही मेन चीज़ थी जो आपको बतानी थी, कि अब जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है, वही वो चीज़ देखेगी, राइट। बाकी ये सारा सेम है जो हमने अभी पीछे पढ़ा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।